सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके एंड्रॉयड डिवाइस में व्हाट्सएप की लेटेस्ट ट्रिक। तो इस ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप के मैसेजेस बिना नंबर सेव किए हुए किसी को कैसे सेंड करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, व्हाट्सएप मैसेजेस को कैसे सेंड करते हैं बिना कॉन्टैक्ट नंबर सेव किए हुए। तो वो जो है दोस्तों, कोई ना कोई एक थर्ड पार्टी ऐप का यूज करते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में कोई भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज करने वाले नहीं है। बहुत ईजी और बहुत सिंपल ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, कोई भी एक वेब ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है आपके डिवाइस में। ओपन करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको यूआरएल बॉक्स में एक यूआरएल इंटर करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं wa.me/ इंटर करने के बाद दोस्तों कंपलसरी आपको आपके कंट्री का कोड इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर रहता है दोस्तों, वो यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद जस्ट सर्च कीजिए, दैट्स इट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपको मोबाइल नंबर पे मैसेज सेंड करना है तो जस्ट मैसेज पे टैप कीजिए, डायरेक्ट आपको जो है दोस्तों आपका जो व्हाट्सएप है वो ओपन हो जाएगा। व्हाट्सएप चैट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक इजी और एक सिंपल मेथड है दोस्तों, बिना मोबाइल नंबर सेव किए हुए और बिना कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हुए आप इजी तरीके से व्हाट्सएप का जो मैसेजेस है दोस्तों सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट सा सिंपल सा वीडियो पसंद आ गया हो। अगर आ गया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग डेली वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।